अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, aqmeal की किचन में आपको खुश आमदेद करते हैं। इतनी अच्छे अच्छे कलरफुल वेजिटेबल्स आपको नज़र आ रही हैं, हमारी सब्जियां जिनसे हम आपको एक अच्छी सी सैलड आज बनाना सिखाएंगे। जो स्वीट कॉर्न की मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका, वो स्वीट कॉर्न है। इसको हम इसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज़ें लेंगे और सैलड कितनी टेस्टी होगी, कितनी मज़ेदार हो जाएगी इसकी वजह से, इन चीज़ों की, इन सब्जियों की वजह से, और इसमें क्या स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। ये 1 कप हमने लिया है स्वीट कॉर्न। ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न में मिलता है और डब्बों में भी जो मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो अपना स्वीट कॉर्न लेके और इस तरह से इसको हल्का सा सॉल्ट और शुगर डाल के उसको बॉईल करके इस तरह से निकाल लेते हैं, और फ्रोज़न भी मिलता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये हरी प्याज है, हमने ये 1/2 कप लिए। हरा धनिया हमने ये 1/4 कप लिया है, 2 टेबल स्पून समझ लीजिए आप। ये हमारा 1 कप पर्पल केबेज है, 1 कप हमारा ये कैरेट है क्यूब्स में, स्मॉल क्यूब्स में कटी हुई, और ये क्यूकम्बर खीरा ये भी 1 कप है स्मॉल क्यूब्स में कटा हुआ। अच्छा, ये जो है ये ग्रीन शिमला मिर्च है, कैप्सिकम ये भी छोटे स्मॉल क्यूब्स में कटी हुई है। अच्छा, स्पाइसेस इसके साथ जो जाएंगे वो सिर्फ ये जाएगा सॉल्ट एंड पेपर 1/2 टीस्पून, सॉरी ब्लैक पेपर और वाइट पेपर 1/2 टीस्पून 1/2 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून जाएगा सॉल्ट इसके अंदर। इसको कॉम्बिनेशन जो चीज़ करेगी वो ये ऑलिव ऑयल है, ये 1 टेबल स्पून है हमारे पास। अच्छा, ये लेमन है, हम इसका जूस इस्तेमाल करेंगे, ये हमें 2 टेबल स्पून चाहिए, 2 टेबल स्पून ये हो गया। और ये क्रश लहसुन है हमारे पास, छील के हमने क्रश किया हुआ है, और ये अदरक ये भी हमने क्रश की हुई है, कद्दूकश में आप कर लें जो छोटे कद्दूकश होते हैं, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। ये सारा कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है मैं आपको बता दें, बहुत सिंपल है, इसको आप लंच में इस्तेमाल करें, ये डाइट पे भी जाती है, और नॉर्मल जनरल आप घर में भी अपने सैलड में अपने खाने के साथ इसको शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये जो है वेजिटेबल्स एक तरफ करती हूँ और आपको बताती हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। गेस्ट आ जाए, अगर वेजिटेबल्स कटी हुई है थोड़ा सा टाइम लगा, और आपने फटाफट एक अच्छी सी सैलड तैयार कर ली। ये देखिए, अब इसमें ये चले गए स्वीट कॉर्न, सबसे पहले आपने ये स्वीट कॉर्न डाले, कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ मिक्सिंग करनी है, ठीक है। ये स्वीट कॉर्न, ये ग्रीन अनियन, हरी प्याज जो होती है हमारी। अच्छा, ये हरी प्याज जब सीज़न में आती है फ्रेश, तो प्लीज़ आप लोग ये यूज़ किया करें, ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छी होती है। एक तो ग्रीन इसका वर्जन होता है, ग्रीन आपको पता है वेजिटेबल्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसका एक बेनिफिट और भी होता है, सर्दी में जो ड्राइनेस बॉडी को धोती है ना, वो इस ग्रीन अनियन से नहीं होती है। तो ग्रीन अनियन आप अपने आम नॉर्मल पाकिस्तानी फूड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप ग्रीन अनियन को उसमें फ्राई करें, सफ़ेद हरी प्याज, वो जो प्याज होती है हमारी नॉर्मल से, उसके बजाय अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, तो ये बॉडी में ड्राइनेस नहीं होने देती। अच्छा, ये पर्पल केबेज हमने दी, ये भी हमने इसमें शामिल कर दी। ये हमारी ग्रीन अनियन कैप्सिकम, ये भी हमने शामिल, अच्छे से, कोई तेज़ी तो होती नहीं आपको पता है, तो इसलिए आप इसके लिए परेशान मत होइएगा कि ये जो है वो शिमला मिर्च स्किप कर दें अगर बच्चे पसंद नहीं करते। अभी हमारे पास ग्रीन अवेलेबल थी हमने, और एक और आपको जो सिखाई है उसमें हमने रेड, ऑरेंज, येलो सब कलर्स के इस्तेमाल की। हमारी कोशिश होती है कि जो भी कुकिंग हो रही हो उसमें हम कलर्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते, अच्छी कलरफुल चीज़ें हों तो बच्चों को भी अच्छी लगती हैं, बड़ों को भी अच्छी लगती हैं, आपको ख़ुद भी खाने में मज़ा आएगा। अच्छा, इसमें हमने ये क्रश्ड गार्लिक, ये जिंजर, सिर्फ ये डालना है, ये हमने ऑलिव ऑयल मिक्स करना है इसके अंदर 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये सॉल्ट चला गया इसके अंदर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इस पर मैं कभी प्रोग्राम करूँगी। और उसके बाद ये वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, स्पाइसेस कम होंगे लेकिन बहुत टेस्टी होंगे। अच्छा, ये हमने सॉल्ट, वो सॉरी लेमन को हमने इसमें स्क्वीज़ करा, सिर्फ हमें ये इस तरह से इसका जूस हमें चाहिए, कुछ भी नहीं करना आपका, बस ये आपने डाला, बीज अगर आ जाता है तो निकाल दीजिए। अच्छा, लीमू की बीज से मुझे याद आया कि ये टिप मैं आपको देती भी चलूं कि लेमन के अगर बीज निकलते हैं तो उनको प्लीज़ आप ज़ाया मत करें, उनको रख लें, कभी पेट में किसी के दर्द हो अचानक से और मोशन हो रहे हो उनको और वॉमिटिंग भी हो रही हो, तो इनको ड्राई करके अपने पास रख लीजिए, पीस लीजिए या ऐसे भी रख लीजिए। और 1/2 टीस्पून 1/4 टीस्पून आपने रात को अचानक से उठ गया, दिन में उठ गया, वो आपने दे दिया, और पानी उसके ऊपर से 1 कप नीम गर्म पानी पिला दिया, तो ये पेट का दर्द बगैर किसी डॉक्टर के यहाँ गए हुए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये हमने एक लेमन को इसके अंदर करा, और ये देखिए
ये हमारी कलरफुल सी सैलड खाने के लिए तैयार है। इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके साथ आप एक सैंडविच बना लें और बस ख़त्म, या कोई एक पैटी। अभी हम पैटी बहुत सारी सिखाएंगे आपको, स्पिनच की पैटी, पोटैटो की, पर्पल कैबेज, ग्रीन कैबेज, बहुत सारी पैटीज़ आएंगी अभी, सॉरी पैटी आएंगी अभी, ठीक है। बस ये आपने मिक्स कर दिया और आपकी ये तैयार है। इजाज़त दीजिए हमें इस उम्मीद के साथ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे aqmeal के किचन से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए हेल्दी चीज़ें, ताकि आप लोग भी हेल्दी चीज़ें खाएं। और जितनी हम मेहनत कर रहे होते हैं, सीखा बता रहे होते हैं, आपको सिखा रहे होते हैं, वो लोग आप अपने यहाँ ट्राई कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी में। aqmeal के किचन से हमें इजाज़त दीजिए, और जो हमेशा की तरह से हम बताते हैं कि ईट हेल्दी, फील हेल्दी।